हेलो, मैं डॉक्टर जतिन आशर, मुंबई आई केयर से, ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट, कॉर्निया कैटरेक्ट और रिफ्रैक्टिव सर्जन। और आज हम डिस्कस करेंगे लेसिक ऑपरेशन के बाद के प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए उसके बारे में। हमारे साथ शुभम जी हैं, जिनका अभी लेसिक सर्जरी हुआ है। शुभम, लेसिक करते समय आपको कोई पेन या कुछ और फीलिंग महसूस हुई थी? नहीं, प्रोसीजर के दौरान कोई भी पेन नहीं हुआ है और अभी भी थोड़ा सेंसेशन है आईज में, फिर भी मैं कंफर्टेबल हूँ। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको ऑपरेशन के बाद क्या क्या करना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, ठीक है? तो हमने आपको ये जो प्रोटेक्टिव चश्मा दिया है, अभी आपको ये 2 दिन तक कंटिन्यूस लगा के रखना है। आपको आज के दिन थोड़ी इरिटेशन सी फीलिंग लग सकती है, थोड़ी लाइट सेंसिटिविटी भी लग सकती है, जो कल तक आपकी चली जाएगी। और ये सेंसेशन बहुत ही नॉर्मल होता है और ड्रॉप से कम हो जाता है। आपको कुछ ड्रॉप्स का प्रिस्क्रिप्शन दिया होगा, वो ड्रॉप्स की आपको आज से ही शुरुआत कर देनी है। रात को सोते समय भी ये चश्मा पहन के रखिएगा कि भूल से आपकी आंखों पे हाथ ना चला जाए, ठीक है? और उसके साथ ही साथ जैसे बताया वैसे ड्रॉप्स डालिए। एक बार अगर आप सो जाते हैं तो ड्रॉप्स डालने की ज़रूरत नहीं है। अगली सुबह जब आप उठेंगे तो आप फिर से ड्रॉप्स की शुरुआत कर सकते हैं। अभी आपको कुछ देर तक थोड़ी विजन धुंधली रहेगी, जो आप ओवर द पीरियड ऑफ 3 to 4 hours इम्प्रूव होती रहेगी, और कल तक आपकी ऑलमोस्ट 80 to 90% विजन आ जाएगी और 1-2 दिन में आपको नियरली 100% विजन आ जाएगी। आज आप शायद मोबाइल और कंप्यूटर का यूज़ करने में थोड़ी डिफिकल्टी देख सकते हैं, हावेवर कल से आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप सब यूज़ करना काफ़ी ईजी हो जाएगा और आपका रूटीन एक्टिविटी आप कल से शुरू कर सकते हैं। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि आँखों में पानी नहीं जाना चाहिए 5-6 दिनों तक, इसलिए आप हेयर वॉश 5-6 दिनों तक अवॉइड करेंगे। ड्रॉप्स का जैसे प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप वैसे तरीके से ड्रॉप्स डालेंगे। अगर आपको एक्सेसिव वाटरिंग और एक्सेसिव पेन अगर हो जाता है तो तुरंत हॉस्पिटल को कॉल कीजिए और कॉन्टैक्ट कीजिए। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप आँखों को रब ना करें। अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो फिर आपको एटलीस्ट 4-5 दिनों तक हैवी एक्सरसाइजेस अवॉइड करनी है। नॉर्मल वॉकिंग वगैरह आप कल से ही शुरू कर सकते हैं। आँखों को जोर ज़्यादा ना दीजिए आज के दिन में, इसलिए आज हो सके इतना रेस्ट कीजिए। कल से आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़, रूटीन एक्टिविटीज शुरू कर सकते हैं। इनिशियली जब आप ड्राइविंग करते हैं तो 1-2 दिन के टाइम पर ड्राइविंग कीजिए, क्योंकि शाम को थोड़ा आपको हेलोज दिखने के चांसेस होते हैं जो आपको 1-2 दिन में चले जाएंगे। कुछ लोगों को हेलोज एक हफ्ते भर तक भी दिख सकते हैं, जो कि टेम्पररी होता है और वो चला जाता है। उसके साथ अगर आपको ड्राइनेस की फीलिंग आती है तो जो आपको लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं उसकी फ्रीक्वेंसी आप थोड़ी तक बढ़ा सकते हैं और आपकी रूटीन एक्टिविटी उसके साथ भी आप कर सकते हैं। ड्रॉप्स डालने के लिए आपके हाथों को क्लीन करके आपको ड्रॉप्स का डालना है। ड्रॉप डालते समय आपने अपने हाथों को क्लीन करने के बाद जो ड्रॉप की बॉटल है उसको खोल के आपका चश्मा निकालिए। मैं आपको ड्रॉप्स डालने का प्रक्रिया समझा देता हूँ। आप हाथों को क्लीन करने के बाद सिर को पीछे लेके आपकी लोअर लिप को आपने ऊपर नीचे की ओर खींच के आँखों में एक ड्रॉप डालना है। ड्रॉप डालने के बाद थोड़ा ड्रॉप बाहर भी आ सकता है, तो आपका चश्मे डाल लीजिए और जो बाहर आ जाता है तो चश्मे के नीचे से ही पोंछिए आँखों के पास। इनिशियली एटलीस्ट आप हाथ ना लगाइए। पोंछने के लिए आप स्टराइल लिड वाइप्स या एक साफ कपड़ा या एक साफ टिश्यू पेपर यूज कर सकते हैं, ठीक है? ड्रॉप्स जब 2 ड्रॉप्स डालने होते हैं दोनों के बीच में 1-5 मिनट का अंतर रखना चाहिए, ठीक है? और ड्रॉप्स डालने की कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है, आप कोई भी ड्रॉप पहले कोई भी ड्रॉप बाद में डाल सकते हैं। कुछ ड्रॉप्स डालने पे थोड़ा सा इरिटेशन हो सकता है, जो कि नॉर्मल होता है, वो 1-2 मिनट बाद चला जाता है, ठीक है? इसके साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि आप ड्रॉप्स डालते समय बॉटल आँख पर ना लग जाए, आपके हाथ साफ किए गए होने चाहिए, ठीक है? और डालने के बाद आँखों को रब ना कीजिए। ये सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस आपने फॉलो करने हैं। रूटीन फॉलोअप के लिए आप अगले दिन आओगे, मतलब कि कल, उसके बाद आप 1 वीक पे आओगे और 1 मंथ पे आओगे। मोस्ट ऑफ द विजन रिकवरी आपकी 1-2 दिन में हो जाती है। बाय 1 वीक आप यूजुअली नॉर्मल विजन एक्सपीरियंस करने लग जाओगे। थोड़ी ड्राइनेस आपको 1 महीने भर तक रह सकती है, जिसके लिए आपको लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स दिए गए हैं जो आपको रेगुलरली यूज़ करने हैं। इसके बाद हर 6 महीने आपको अपनी रेटिना की चेकअप कराते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भले आपके आँखों का नंबर अभी हमने निकाल दिया है, पर इन्हीं आपकी आँखों का रेटिना जो है उसका चेकअप करते रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। 2-5% लोगों में चश्मे का नंबर वापस आने के भी चांसेस होते हैं। तो अगर आप किसी मशीन पर बैठेंगे तो मशीन शायद कुछ नंबर दिखाएगा,
पर मोस्ट ऑफ द केसेस चश्मे से इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, कोई भी तकलीफ होती है, तो आप किसी भी वक्त हॉस्पिटल के नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी सवाल पूछना है, तो आप पूछ भी सकते हैं हमें, ठीक है। तो आप ये इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो कीजिए और आपकी विजुअल रिकवरी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू।